हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष आर्य। दोस्तों कैसे हो आप? सो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था प्रो मोड के ऊपर, जो आपके फ़ोन में होता है, जो रेडमी, ओप्पो, वीवो, जो किसी भी कंपनी में आपको मिल जाता है, उसमें ISO, शटर स्पीड और फोकस अपने हाथ से एडजस्ट करके एक मून लाइट में डिटेल पिक्चर कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद आपको विपरीत आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डार्क में किस तरीके से गैलेक्सी स्टार को नॉइस मिल रहा होगा बैकग्राउंड, क्योंकि फील्ड में बच्चे खेल रहे हैं तो उसका नॉइस आपको आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो मतलब कि आप बिना विदाउट लाइटिंग में आप स्टार्स को कैसे शूट कर सकते हैं, और एक जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसको मैं आज शूट करके दिखाऊंगा। मौसम थोड़ा यहाँ पे क्लाउडली हो रहा है, यानी कि बारिश हुई है, तो उसका थोड़ा साफ हो जाता है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे क्लाउडली मौसम यहाँ पे हुआ है। तो मतलब क्या, मुझे लगता है रात में ये साफ हो जाएगा, तो आपको शायद मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, मतलब कि एक डिटेल पिक्चर कैसे कैप्चर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। जो प्रो मोड आपके दिया हुआ है उसमें आप विदाउट लाइट आपको आज यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हैं डिटेल पिक्चर। मतलब कि बहुत से लोगों को होता है लेकिन मिस कर जाते हैं इस प्रो मोड को कि कैसे यूज़ करते हैं, तो आज की वीडियो में फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। अभी का जो टाइम यहाँ पे हुआ है 6:40 का यहाँ पे हुआ है, तो अब रात में देखेंगे अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे, अब जिस टाइम मौसम क्लियर होगा, स्टार्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको एक मैं पिक्चर यहाँ पे कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ समय बाद इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है हम कॉन्स्टेलेशंस या गैलेक्सीज को, स्टार्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्ले स्टोर ओपन यहाँ पे करना है। आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि आप किस चीज़ से यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है स्टार चार्ट STAR, और आपको जैसे ऊपर आपको दिख जाएगा स्टार चार्ट सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आ गया है, और सबसे ऊपर वाला आपको मिल जाएगा समथिंग 220 MB के अप्रोक्स ये होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है और बीटा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। सिंपली मैं इसे ओपन यहाँ पे कर लूँगा, कुछ परमिशंस आपको यह मांगेगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे दे देनी है। अब यहाँ पे लैंडस्केप मोड में ऑटोमेटिक चला गया क्योंकि मैंने मोबाइल को घुमा दिया है। वो कुछ लोकेशंस के लिए मांगेगा, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको बताएगा, ऑलवेज एक्सिस यानी लोकेशन, या जब आप इसे यूज़ करेंगे दूसरा ऑप्शन आप तब लोकेशन आपके लिए, तो उस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्काई मोड पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप स्काई मोड पे क्लिक करेंगे ये लोकेशन ऑटोमेटिकली आपकी ले लेगा। और आपको बता दूँ अगर ये AR मोड आपको ना मिले, जैसे फ़ोन को आप मूव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, तो आपको सिंपली ये 3 डंडे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और AR मोड को आपको यहाँ पे ऑन कर देना जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और सिंपली आपको मैं बता दूँ, इसे मैं बैक कर देता हूँ, इसे कट कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं आपको कैसे सर्च करना, तो हम सिंपली यहाँ पर सर्च करके भी लिख सकते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यहाँ पे सारी चीज़ बता देंगे, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस और गैलेक्सीज़, और जो उल्का पिंड है वो आपको प्रो मोड में मिलेगा, और सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने का, अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो आपको यहाँ पे सारी एक्सेस आपको मिल जाएंगी, कौन सा नेबुलास और भी चीज़ें अलग मिल जाएगी, लेकिन नेबुलास और स्टार्स को आप सिंपली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। जिस स्टार्स पर भी आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा, और जिस भी स्टार पर क्लिक करेंगे और कॉन्स्टेलेशन भी आपको बन के आ जाएंगी, कौन कौन सी कॉन्स्टेलेशन आपको यहाँ पे मिलती हैं। और आप देख सकते हैं होरिजन पे आपको दिख रहा है, होरिजन से ऊपर को आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जितना भी ऊपर को ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये आपको इस टाइम विजिबल हो चुका है, बाकी नीचे आपको डार्क यानी कि अपने आउटसाइड है यानी दूसरी साइड है पृथ्वी के। अब आपको बता दूँ सिंपली आपको जैसे ही घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैलेडीज आपको चमक रहा होगा, यहाँ पे पैलेडीज जो है हमारा, और यहाँ पे ओराइन जो कॉन्स्टेलेशन एक तो यहाँ आपको मिल रहा है, देख सकते हैं ओराइन नेबुला है, शायद अगर मौसम क्लियर रहेगा तो आपको इसका भी एक सूट आपको दिखा दूंगा। और सर इसमें रिलेटेड रैप्ट अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉन्स्टेलेशन आएंगे ओराइन के कॉन्स्टेलेशन इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, शायद आपको दिख रहा है। इस टाइम मेरा फ़ोन 90 डिग्री पे यानी कि विजिबल हो चुका, अगर मौसम क्लियर यहाँ पे होता तो आपको यहाँ पे फाइनली मैं आपको शूट करके दिखा दे, लेकिन क्लाउडी मौसम अभी हो रहा है और मुझे वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसे ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी कॉन्स्टेलेशन को जैसे आप क्लिक करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये जूम करके आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, और आपको एरो से बताएगा किधर ये आपके एंड्रोमेडा गैलेक्सी यहाँ पे है। तो मैंने मुँह ऊपर किया हुआ है जिसमें आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं मिल रहा होगा, मैं अनजूम यहाँ पे कर देता हूँ। और चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक शूट करके दिखाता हूँ, यानी कैमरा को सेटिंग्स भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं, मैंने सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने कैमरा की जो प्रो मोड में यहाँ पे दी हुई होती हैं। तो आपको अब करना क्या है, मैं अपने कैमरा पे चलता हूँ, कैमरा ऐप पे मैं यहाँ पे जैसे ही आ जाता हूँ तो आपको बता दूँ प्रो मोड मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको क्या क्या सेटिंग्स यहाँ पे करनी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पे आपको बताया था। तो मैं एक विलेज में रहता हूँ तो आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा तो उसे आप इग्नोर कीजिए, तो चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा वाइट बैलेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट बैलेंस आ रहा, तो इसे तो आपने कुछ छेड़ना नहीं है, जिसके पहले मैंने आपको पहली वीडियो में यहाँ पे बताया था। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे फोकस, आपको फोकस पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो फोकस को आपको दूर रखना है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने पास लेके आया तो पीछे की जो बैकग्राउंड है ये पास की लेने लग गया, यानी कि जो दूर की है वो ब्लर हो गई और पास की यहाँ पे ये लेने लग गया है।
जैसे मैं इसे दूर लेके जाऊंगा तो बैकग्राउंड यानी दूर का ऑब्जेक्ट ये ट्रैक करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा, तो आपको ये फुल यहाँ पे रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो आपको शटर स्पीड पे चलना है, तो शटर स्पीड क्या है मैं आपको बता दूं, शटर स्पीड आपको फोटो कितनी देर में प्रोसेस करके आपको देगा, मतलब कितनी देर फोटो को ये लेगा प्रोसेस होने में, तो इसमें आ रहा है 1000 यानी एक का 1000वां हिस्सा एक सेकंड का, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, रिकमेंड करूंगा आप इसे 32 सेकंड तक यहाँ पे रखना, 32 सेकंड में फोटो क्लिक होकर आपको यहाँ पे प्रोसेस होकर देगा। तो आप मतलब कि इसे उस चीज़ से भी रख सकते हैं क्योंकि जो पृथ्वी की रोटेशन है उसके हिसाब से थोड़ा सा शेकी इमेज आएगी, मतलब कि जो स्टार्स हैं वो मूव कर रहे हो आपको शो होंगे अगर 32 आप रखेंगे तो, 16 में आपको वो मतलब कि इतना इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ISO, ISO क्या बात है, ISO की भी आपको बता देता हूँ किस तरह का फंडा है इसका। तो ISO का फंडा ये जो लाइट आपको दिख रही होगी बैकग्राउंड में, तो इसको कितना ब्राइट करके यहाँ पे इसको दिखाना है, मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग है तो सबसे ज़्यादा कम हमें यहाँ पे रखना, अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं से सिटीज़ में रहते हैं तो आपको मतलब कि ये 100 से या 200 के बीच में आपको रखना है। अगर आप विलेज में लाइट चली गई है, विलेज में अगर रहते हैं तो अब और फोटो अच्छा क्लिक आएगा क्योंकि लाइट चली गई है, इन जो हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे कण होते हैं उस पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बन गया है। तो आपको और अच्छा बेहतर आपको आउटपुट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो ISO आपको अगर विलेज में रहते हो तो आपको 200 यहाँ पे रखना है, मैंने 200 सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप सिटी में भी रह जाते हैं तो 100 आप यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि एयर जो लाइट पोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है, उस वजह से आपकी फोटो जो क्लियर नहीं आएगी, जो इन्वायरमेंट में छोटे छोटे कण होते हैं उसकी वजह से। उसके बाद लेंस आप कोई भी चूज़ यहाँ पे कर सकते हैं जो आपके फ़ोन में हो। आप ऊपर देख सकते हैं मेरे फ़ोन में लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का सेंसर, तो मैं तो इसे हाई क्वालिटी के लिए यहाँ पे इसे लगा दूंगा। और उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे आपको टाइमर लगा देना है, टाइमर लगाने के बाद होगा क्या, आपको जो स्टेबिलिटी है वो मिल जाएगी, जो मूविंग करी हुई इमेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। मुझे बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे मिला, लाइट चली गई और इन्वायरमेंट में जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है वो मुझे यहाँ पे कैमरा पकड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत जल्दी यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक फोटो और आपको बताता हूँ। दोस्तों आपके फ़ोन में मान लीजिए बहुत सारे सेंसर्स होंगे, मेरे तो 48 का है, मतलब अब तो 108 मेगापिक्सल का ज़माना आ गया, 64 मेगापिक्सल का ज़माना चल ही रहा है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों फोटो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ओरायन कॉन्स्टेलेशन यहाँ पे निकला हुआ है, मतलब ओरायन कॉन्स्टेलेशन मेरे से जस्ट सामने है, तो इसका भी एक फोटो यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी का यहाँ पे मैं एक व्यू आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैसे शूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर के ऊपर मेरे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसका मैं एक यहाँ पे शूट लेता हूँ। 5 सेकंड मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं तुरंत यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ, इसे एक जगह माउंट कर देता हूँ जिससे फोटो हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दो किस तरीके से अपने फोन के प्रो मोड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फोटो इतने प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। आप बताना आपका किस टॉपिक पर यहाँ पे वीडियो चाहते हैं, मुझे जरूर से जरूर कमेंट में जरूर यहाँ पे बताना। आई थिंक फोटो प्रोसेस यहाँ पे हो गया होगा जहाँ मैंने माउंट कर दिया था अपना फोन, तो हम डिटेल देखते हैं क्या यहाँ पे निकल के आई है। तो हमारा फोटो यहाँ पे प्रोसेस होकर आपके सामने यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं भाई कसम से क्या इसने आउटपुट यहाँ पे दिया है। अब आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, आप अंदाज़ा अगर आपने पहले कभी देखी है तो आप अंदाज़ा यहाँ लगा रहे होंगे कि यहाँ पे एंड्रोमेडा गैलेक्सी साफ हमें यहाँ पे चमक रही है। और एक फोटो यहाँ पे आप टाइम देख लीजिए, पहले आपके 8:32 यहाँ पे रात के हुए हैं, तो समथिंग बहुत टाइम यहाँ पे हो गया, काफ़ी समय यहाँ पे हो गया है। मैंने एक फोटो जब क्लिक किया था जब बारिश यहाँ पे रुकी थी, क्योंकि जब बारिश पड़ने के बाद जो मौसम होता है वो काफ़ी क्लियर यहाँ पे होता है, तो मैं वो फोटो आपको दिखा देता हूँ किधर ये गया फोटो। वो फोटो ये है, आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसमें साफ यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको आज की डेट भी दिखा देता हूँ जब मैंने ये क्लिक यहाँ पे किया है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी डेट है वो डेट यहाँ पे आपको 2021 की पहले महीने की 6 तारीख आपको यहाँ पे मिल जाएगी, 6 जनवरी 7:23 का 1 घंटे पहले समथिंग मैंने ये फोटो यहाँ पे क्लिक किया है। तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको ओरायन कॉन्स्टेलेशन में भी लेकर चलता हूँ, ओरायन कॉन्स्टेलेशन में कैसे आप शूट कर सकते हैं, एंड्रोमेडा को कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको मैं बताऊँ जो कहाँ गया फोटो। हाँ, आप देख सकते हैं 3 स्टार ब्राइट स्टार यहाँ पे, 5 ब्राइट स्टार यानी जो 3 अंक होता है हमारा, 3 होता है तो उसका जो दूसरे नंबर का जो अंक है यहाँ, मतलब कि वो स्टार है, उसके सामने आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी यहाँ पे नेविगेट करने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मुझे व्यू यार लग रहा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है उसे हमने अपने फ़ोन से ही कैप्चर यहाँ पे कर डाला है। आप बताना वीडियो में आपको इस फोटो को देख के कैसा यहाँ पे लगा है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे एक ओरायन कॉन्स्टेलेशन का भी एक शूट आपके लिए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों सेम सेटिंग्स है, प्रो मोड मैंने ओपन यहाँ पे किया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे प्लस पॉइंट यहाँ पे लगा है कि यहाँ पे मेरे गाँव में लाइट चली गई, जो इन्वायरमेंट में जो लाइट है वो मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट यहाँ पे होगी मुझसे, उससे प्लस पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल गया। मैं तुरंत से यहाँ पे एक फोटो क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ओरायन कॉन्स्टेलेशन 45 डिग्री पे मेरे सामने, उसके नीचे जस्ट बीटल जूस भी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे माउंट कर देता हूँ अपने फ़ोन को और फोटो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होना हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेकंड का मैंने टाइमर यहाँ पे लगाया हुआ है, तुरंत यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ
और मैंने फ़ोन यहाँ पे माउंट कर दिया है, तो इतने आप यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट भी हो गया और आप शायद वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो दोस्तों चलिए फोटो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, इतने आप लाइक भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फोटो जो है वो प्रोसेस हो चुका है, अब देखते हैं क्या आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप देखिए, ओ भाई यार क्या कहें, क्लाउड के साथ ओरायन कॉन्स्टेलेशन कितना ब्राइट यार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन से नेबुलास भी देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। क्या आपने कभी पहले ये ट्राई किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए यार, कितना अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप डेट भी नीचे देख सकते हैं, 8:40 यहाँ पे हुआ है। ओ भाई यार आप मुझे ज़रूर बताना क्या आपको यहाँ पे लगा है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ फोटो सैंपल्स आपने, हाँ यहाँ पे पहले फोटो सैंपल्स दिखाऊंगा। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटल जूस कितना ब्राइट यहाँ पे चमक रहा है। तो मैं इसे अनजूम करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटल जूस यार काफ़ी ब्राइट यहाँ पे चमक रहा है। तो मैं आपको फोटो सैंपल्स भी दिखाता हूँ जो मैंने अभी भी लिए हैं और पहले भी लिए थे कुछ 4-5 महीने पहले इसी फ़ोन से। तो आप अपनी राय बताना कमेंट में, क्या कैसे फोटो ये आपको देखने में लग रहे हैं जो भी मैंने लिए हैं, जो गैलेक्सीज है हमारे मेरे गाँव के हैं या कैसे भी हैं वो मैंने यहाँ पे शूट किए, अपनी राय जरूर कमेंट में यहाँ पे ज़रूर बताना। तो भाई मुझे ये वाला फोटो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है, कितना ब्राइट यहाँ पे चमक रहा है, क्लाउड्स भी यहाँ पे चमक रहे हैं, जो लाइट रिफ्लेक्शन आप मैंने बताया था ना लाइट रिफ्लेक्शन होता है, जितनी भी थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्शन थी जो जल रही थी थोड़ी 4-5 लाइट उसका रिफ्लेक्शन क्लाउड पे पड़ा और इसने यहाँ पे ये कैप्चर यहाँ पे कर लिया है। तो आप मुझे राइट जरूर कमेंट में यहाँ पे बताना। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर हमारी गैलेक्सी है, मतलब कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसे अपने फ़ोन से कैसे शूट यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि मौसम थोड़ा साफ नहीं था, जिस वजह से और डिटेल्स हमें फोटो में नहीं दिख पाई हैं। तो आप बहुत बेहतर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इसी प्रोमोड को, और आप मुझे फोटो क्लिक करके मतलब कि मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, मैं भी देखना चाहूँगा आपने किस तरह का फोटो कैसे यहाँ पे लगाया है। दोस्तों आप मैंने कुछ वीडियो पहले जो बनाया था प्रोमोड पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक वीडियो और है उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, वहां से उन्हें बात करना और अपनी क्वेरीज बताना कि आपको वो वीडियो कैसे यहां पे लगी है। शायद आपने वो वीडियो देख भी लिया होगा, नहीं भी यहां पे देखा होगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना, जिससे कोई भी इस तरह की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। दोस्तों वीडियो में था इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।